नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, नेफ्रोलॉजिस्ट, डायलिसिस एक्सपर्ट, रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन, मेरठ NCR में बेस्ड हूँ और इस समय न्यूटिमा हॉस्पिटल और ऑप्टिमा हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ। पहले ज़माने में कहते थे कि किडनी डिजीज़ किसी को हो गई है, किसी के पैरों में सूजन आ गई है तो मृत्यु निश्चित है, पर ऐसा नहीं है। एडवांसमेंट के बाद काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है किडनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। अब आप इवन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब कि डॉक्टर की सलाह के साथ में काफ़ी साल गुजार देते हैं एज अ किडनी पेशेंट और आप काफ़ी सालों तक एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किडनी डिजीज़ फेयरली एडवांस हो गई है, काफ़ी एडवांस डिजीज़ आपकी हो गई है, तो उस पेशेंट्स के अंदर भी आप डायलिसिस पे एक लंबे समय तक अपना जीवन जी सकते हैं। डायलिसिस में एक अगर आप थाई सबिक डायलिसिस कराते हैं तो डेफिनेटली आप 4 to 5 years, 6 years, 7 years, 7 years, 10 years डाउन द लाइन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपकी जो जीवन शैली है वो पूर्ण रूप से बदल जाती है। आप एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट के नॉर्मल पेशेंट के रूप में रहते हैं और लंबे समय तक 10 से 15 साल तक आप स्वस्थ रहते हैं और यूजली आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बाय चांस 10 टू 15 इयर्स डाउन द लाइन अगर आपको ट्रांसप्लांट किडनी भी ख़राब हो जाती है तो उस केसेस में भी आपको रीट्रांसप्लांट आप करा सकते हैं और फिर आप एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं किडनी के डिजीज़ के बाद। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को किडनी डिजीज़ है तो मृत्यु निश्चित है। डेफिनेटली डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट कॉस्टली प्रोसीजर है, बट आज की तारीख में डायलिसिस फ्रीली अवेलेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और आप आराम से डायलिसिस करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरियस सेंटर्स हैं जहाँ पर कि फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस आप करा सकते हैं और ट्रांसप्लांट भी काफ़ी वाइडली अवेलेबल है। हम न्यूटिमा हॉस्पिटल में रेगुलरली पिछले 18 साल से डायलिसिस और ट्रांसप्लांट एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे हैं और करीब 300 सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हम लोग न्यूटिमा हॉस्पिटल में कर चुके हैं और आगे भी सतत प्रयास है कि हम लोग मेरठ NCR के लोगों को ट्रांसप्लांट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, एक अच्छी ट्रांसप्लांट फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इसके अलावा हम लोग हर तरह के ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि पेडियाट्रिक ट्रांसप्लांट है, री ट्रांसप्लांट है, HLA डिसेंसिटाइज्ड पेशेंट है उनका ट्रांसप्लांट है, ABO इनकॉम्पिटेबल पेशेंट है उनका ट्रांसप्लांट है। तो हर तरह के ट्रांसप्लांट हम लोग अपने सेंटर पे कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं जो कि एट पार हैं NCR और नेशनल स्टैंडर्ड्स के आसपास।